गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसे आप देख रहे हैं ना, मौसम आज कुछ अभी का टाइम कुछ 11:30 बजा था, लेकिन मौसम देखो कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ब्लू ब्लू है आज का स्काई, तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखो खजूर का जो पेड़ है ना, बहुत ज़्यादा है। तो खजूर का पेड़ एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है ना, आप कैमरा में मतलब कोई वीडियो उसका कर लो या फोटो अगर आप कैप्चर कर लो, तो उसमें ना खजूर का पेड़ रहता है ना, तो लुक बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे काफ़ी सारा बैंगन के पौधे हैं, बट अभी भी एक भी बैंगन लगा नहीं, देखते हैं कब लगते हैं। बट मेरा ना थोड़ा सा मन ख़राब है, बिकॉज मैंने कुछ फ्लावर्स मैंने लगाया था, वो मैंने आप लोगों को दिखाया पिछले वीडियो में कितना अच्छा खिलता हुआ था, और अभी देखो क्या हालत हो गया है। पता नहीं इसको कैसे टेक केयर करे। पानी वानी तो मैंने डाला, फिर जो फर्टिलाइज़र वगैरह लाया था वो भी मैंने डाला, पता नहीं क्या हुआ तो कुछ ऐसा हो गया है। और यहाँ पे देखो फिश जो है मैंने फ्रिज से निकाल लिया और इसको पानी में डाल दिया, क्योंकि बर्फ़ बिल्कुल हो जाता है ना डीप फ्रिज में रहता है तो। और यहाँ पे मैंने चावल जो है उसको भिगो दिया, तो फ़िश का करी और चावल मैं बनाऊँगी आज लंच में। और यहाँ पे पनीर मैंने निकाल लिया, पनीर का पराठा बनाऊंगी। और यहाँ पे दूध, और देखो रिद्धि जो है मेरा एक चप्पल लेके बस चल रही है। और मैंने ये वाला चप्पल लिया कि मेरी सिस्टर की शादी आने वाली है, तो थोड़ा सा पार्टी वेयर के लिए मैंने ये लिया, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो यहाँ पे बन रही है घी, जो कि बहुत दिनों से मेरा मलाई जमा हुआ था, तो उसका भी घी बन रही है। और यहाँ पे मैं बनाऊंगी चाउमीन जो मैंने निकाल के रख दिया, बस अभी इसमें पानी में भिगा के रखूँगी, थोड़ा सा गुनगुना पानी करके फिर इसको वॉश करके रखना है। किचन का हालत आज बहुत ख़राब है, क्योंकि दोपहर के बाद मैं बिल्कुल नहीं आ पाई। यहाँ पे बिल्कुल सामान देखो इधर उधर है, और मासी ने जो धोके गए थे वो भी मैंने सही से नहीं रखा, तो कुछ ऐसा है किचन का सामान। और दीदी देखो दीदी भी पढ़ाई कर रही है, पेज लेके आ गई, इसको भी लिखना है। आशो मम्मा माशो, तो कुछ ऐसा है, बस घी बन जाए, क्योंकि इसको बहुत दिनों से जमा हुआ था तो इसलिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और एक्चुअली मुझे देख के लग रहा है कहीं जाने के लिए अब रेडी हो गई हूँ, कहीं जाऊँगी ऐसा लग रहा है ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, घर पे ही हूँ, कहीं नहीं जाना है। बट हाँ, कहीं जाने का प्लानिंग है, एक प्रोग्राम है, मतलब मेरी सिस्टर की शादी है तो वहीं पे जाऊंगी। और मैं ना कुछ दिनों से कुछ मेकअप वीडियो देख रही थी, कुछ आप बोल सकते हैं कुछ मेकअप के ट्रिक्स वगैरह सीख रही थी, कि कहीं पे जाके आप खुद से मेकअप करो, शादी या तो कुछ भी ओकेशन होता है ना, तो थोड़ा सा बेसिक वाला जो मेकअप है ना, वो अगर आपको पता है ना, तो रेडी होने में उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती है। तो वो बेसिक मेकअप जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा रेडी होने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही थी ना कि मैं जब जाऊंगी शादी में, बहन की शादी में, तो उधर जाके फिर पार्लर में जाके रेडी वेडी होना है, वो सब सोच रही थी। तो उधर जाके फिर जिस दिन शादी है उसके पहले दिन जाऊंगी, और बहुत ही प्रॉब्लम सिचुएशन हो के फिर जाने के लिए रेडी हुआ है हम लोग, मतलब ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो अल्टीमेटली छुट्टी मिल गया है तो जाएँगे हम लोग। तो दूसरे दिन जाके फिर और भी काम रहता है, फिर पार्लर में जाके रेडी होना बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने इसलिए मेकअप ट्राई किया। कुछ दिनों से मैं देख रही थी, तो आज मैंने जस्ट थोड़ा सा ऐसे मेकअप लुक क्रिएट किया, और पता नहीं कैसा लग रही हूँ मैं, कुछ फ़ोटोशूट वगैरह किया मैंने, बट वो मतलब ऊपर जो आंटी रहते हैं उनसे करवाई मैंने, तो ऐसा है। और आप लोग बताना कैसी लग रही हूँ। और ये मेरा पहला मेकअप है, मतलब पहली बार मैंने मेकअप किया है, तो कुछ ऐसा है, सारी चीज़ जो जो ट्राई करना होता है वो मैंने ट्राई किया, लगाया आई शेडो वगैरह, बट हाँ एक चीज़ जो है मैंने नहीं लगाया, जो है आई लैश, क्योंकि थोड़ा सा आई लैश लगाने से ना आई जो है थोड़ा और ज़्यादा हाईलाइट लगता है। और जो लाइनर है वो लाइनर मुझे एक्चुअली मैंने सही से नहीं लगा पाया, आई थिंक लाइनर भी थोड़ा सा और सीखना पड़ेगा लगाना। बट हाँ आई शेडो जितना मुझे लगा कि ठीक ठाक हुआ आई शेडो लगाना, बट पता नहीं कैमरे में उतना ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, बट हाँ सामने से दिख रहा है, तो कुछ ऐसा है। और एक साड़ी पहन के, साड़ी का भी ट्रायल दे रही थी मैं, साड़ी मतलब ऐसे ही जैसे बंगाली स्टाइल होता है ना, ट्रेडिशनल स्टाइल, उस स्टाइल में मैंने पहना,
तो कुछ दो चार फोटो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगी, और प्लीज़ बताना कैसे लग रहा है। पहली बार मेकअप किया, मुझे कुछ नहीं पता मेकअप के बारे में, नथिंग, कुछ नहीं पता। जस्ट मैंने वीडियो देख के थोड़ा थोड़ा करके जितना मैंने देखा बस वही देख देख के ट्रायल मार दिया, बस ऐसा है। प्लीज़ बताना आप लोग, मुझे अच्छा लगेगा। तो एक्चुअली आज अभी शाम का टाइम है, मॉर्निंग में मैंने एक बार वीडियो क्लिक किया था, बट उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि उसके बाद बहुत सारा काम आ गया था बीच में। रिद्धि उठ गई थी, उसको कभी कभी मुझे फ़ोन दे के ना फिर काम करना पड़ता है। अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ ना तो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ बोलेगी, चाहे मैं वीडियो कॉल में किसी के साथ बात करूँ, घर पे मम्मी के साथ, या तो फिर मैं इसीलिए इस रूम में आ जाती हूँ। और ना बच्चे के साथ, मतलब जैसे घर में बच्चे हो जाते हैं ना तो उसके बाद वो अगर नहीं रहती है ना तब भी मतलब अजीब सा लगता है। सही है, मतलब आवाज़ होनी चाहिए। जैसे जिस टाइम पे सोए रहते हैं ना उस टाइम पे ऐसा लगता है कि एकदम से शांत, कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं है, घर में मैं अकेले हूँ, ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे उठ गया है तो पूरा बगो बगो चलती रहती है, तो ऐसा है। और मैं क्या बोल रही थी, अच्छा साड़ी का, मैंने जो शादी में मुझे पहनना है बनारसी पहनूंगी एक्चुअली, तो वो तो मेरे घर पे ही है, मतलब एक मायके में है और एक ससुराल में है, तो वही पहनना है। उधर जाके देखूंगी ज्वेलरी वगैरह क्या पहनना है। और बाकी एक साड़ी है यहाँ पे जिसका ब्लाउज मुझे लेना है, और बहुत दिनों से मैं ढूंढ रही हूँ उसका ब्लाउज, मिल नहीं रही है। तो इस संडे, एक ही संडे है जिस दिन मैं ट्राई कर सकती हूँ देख के कि अगर मिल जाए तो अच्छा है, अदरवाइज़ जो है उसी में काम चलाना पड़ेगा। तो ऐसा है। और आज का अगर बताऊँ तो बहुत कुछ किया पूरे दिन में, मुझे याद नहीं है क्या क्या किया, बट रिद्धि जिस टाइम पे सोई थी दोपहर में उस टाइम पे मैं बैठ के ये मेकअप वगैरह ट्राई किया, देन साड़ी पहना, उसके बाद फ़ोटोशूट किया, ये सब चला आज। और उसके बाद चाय पिया, जस्ट अभी भी मैंने चाय पिया। और चाय पीने के बाद क्या बोलते हैं वो, अच्छा किचन में काम कर रही थी, वो सब कर रही थी। एक्चुअली इतने दिन बाद बना रही हूँ, जैसे मतलब जब भी मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग बनाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्या बोलूँगी, तो ये सब लगता है कि कौन सा बात बोलूँगी पता नहीं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स डालना, कमेंट जाने से अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ मैं बातचीत हो रहा है ऐसे। फ़ोन पे कौन मुझे देख रहा है नहीं देख रहा मुझे नहीं पता, बट आप लोग जैसे कमेंट्स डालेंगे तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ कनेक्शन है, कनेक्शन बन रहा है। तो ज़रूर डालिए, और कौन सा वीडियो आप लोग देखना पसंद करते हैं वो भी बताइएगा। और यहाँ पे मेरा घी जो है ऑलमोस्ट डन, और थोड़ा सा होएगी फिर उसके बाद इसको छान के जो जो ऊपर वाला होता है ना वो फेंक देना है, बाकी जो घी है उसको रख दूँगी। और अभी टाइम हुआ 8:30, तो आज मैं चाउमीन बनाऊँगी, तो सोच रही हूँ वही डिनर में हो जाएगी। और रिद्धि के लिए खिचड़ी बनाया था तो वो है, उसको खिलाऊँगी। अभी देखो ब्रश कर दूँगी, तो ऐसा बात है, देखती हूँ क्या कर। तो हम लोग भी बॉल खेल रहे हैं, अभी रिद्धि को बॉल खेलना है तो इसलिए अभी बॉल खेलना चालू हो गया है। और रिद्धि के पापा नहीं आई अभी तक, इसके पापा पता नहीं देर कर रहे हैं, अभी 9 बज गए हैं। चलो उसको बहुत ज्यादा पसंद है बॉल खेलना, बहुत ज़्यादा पसंद है बॉल खेलना, वही चल रही है। जैसे पापा आएगी इसी टाइम आते हैं, मतलब 8:30 बजे बॉल लेके ऐसे खड़े हो जाएंगे। चलो नियाशो। तो अभी चाउमीन मैंने भिगो के रख दिया और रिद्धि को खिलाऊंगी, देन हमारा चाउमीन सब्जी सब कटा हुआ है, कल मैंने कट करके रख दिया था, वो सब बस मिक्स करना है। और थोड़ा सा चिकन है, चिली चिकन बनाया था तो उसी चिकन डाल के बना लूँगी एक साथ। और मेकअप भी रिमूव करना है, ये भी एक बड़ा काम है, वो अभी नहीं करूँगी, अभी थोड़ी देर बात करूँगी क्योंकि हस्बैंड आएंगे तो उनको भी दिखाना है, इसलिए अच्छा लग रहा है फर्स्ट टाइम ऐसा मेकअप करके।
यहाँ पे चाउमीन जो है हमारा रेडी हो गया है और बहुत टेस्टी हुआ है चिकन के साथ ना। चिकन के साथ चाउमीन अच्छा लगता है। तो बस ये बन गई है और अभी थोड़ी देर बाद हम लोग खाएंगे। रिद्धि यहाँ पे लेके सब बैठ गए हैं। आ जा आ जा बाबा, आ जा आ जा। चलो रिद्धि का हो गया है वैसे खाना। उसको मैंने आज खिचड़ी खिला दिया, बिल्कुल पीस के वाला खिचड़ी खिला दिया। और बस अभी थोड़ा सा मुझे काम है इस रूम पे और कुछ देर बाद मैं अपना मेकअप जो है इसको रिमूव करूँगी। और जिस मेकअप रिमूवर से मैं मेकअप रिमूव करूँगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कौन सा है क्या है। और एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है। और तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये है मेकअप रिमूवर। और मेकअप जो है ना हम लोग करते हैं बहुत टाइम पे, बट उसको यूज़ मतलब रिमूव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये है आर्टिस्ट्री का आई एंड लिप मेकअप रिमूवर। आप पूरा फेस का मेकअप जो है इससे रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा, इफ़ेक्टिवली, क्विकली रिमूव होता है ये। और ये आपके स्किन का जो पीएच लेवल है उसको भी मेंटेन रख के आपका बिल्कुल फेशियल फेस का जो मेकअप है उसको रिमूव करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा लिया 4-5 ड्रॉप, उसके बाद बस फेस में थोड़ा सा रब किया, देन मेकअप जो है तुरंत निकल के आ गया है। और यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा जल्दी उसको कर लिया। आप अगर फ्यू सेकेंड अगर उसको रख देंगे, रख के उसके बाद अगर आप इसको क्लीन करेंगे तो देखेंगे बिल्कुल पूरा मेकअप जो है अच्छे से रिमूव हो जाता है। और दूसरी बात है, आजकल के ज़माने में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग एंड वाटरप्रूफ वाला मेकअप जो है यूज़ होता है शादी में या तो थोड़ा सा हेवी मेकअप में, तो वो सब मेकअप क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए भी ये जो मेकअप रिमूवर है बहुत अच्छे से काम करता है। और इससे आप अगर मेकअप जैसे आप रिमूव करते हैं ना तो कोई ड्राइनेस नहीं होता है फेस में, चाहे लिप बोलो या आई एरिया, पूरे फेस में ना एक अच्छे से मॉइस्चराइज रहता है। देन इससे मेकअप रिमूव करने के बाद आप नॉर्मल सा फेस वॉश करके देन मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, तो बिल्कुल क्या होता है ना अच्छे से स्किन जो है अच्छा रहता है। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर देना, एंड जो नए लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना वीडियो को। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।